अभी मंच से हम सभी टीम मेंबर को हमारे नीलम कृष्ण पहलवान जी ने इतने सारे मैसेज हमारे इस ग्रुप को दिए हैं, तो एक बार उनके अभिनंदन में जोरदार तालियां होनी चाहिए जो हम छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आइएगा एक रागनी श्रोताओं उस समय की गोपी चंद के किस्से से ये रागनी होगी कि जिस समय गोपी चंद अपनी माँ मैनावंती के कहने से जोगी वेश धारण कर लेते हैं, क्योंकि माँ मैनावंती चाहती थी बेटा कहीं ऐसा ना हो तेरी मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाए, मैं तेरी काया को अमर होते हुए देखना चाहती हूँ। गोपी चंद ने जोग तो ले लिया पर अपनी बहन चंद्रावल के यहाँ जाकर के अलख जगा दिया। अलख जगाया तो चंद्रावल अपनी बांदी के बताने पर कि कोई द्वार पर बाबा जी आए हुए हैं, आपको अपना भाई के बता रहे हैं। दौड़े दौड़े गई चंद्रावल और जैसे ही चंद्रावल को गोपी चंद ने देखा तो कहा बहन मैं तेरा भाई हूँ और मैंने माँ के कहने पर जोगी बाण धारण कर लिया। जैसे ही चंद्रावल ने सुना तो कहने लगे अरे बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते क्योंकि मेरा भाई तो बड़ा सुंदर और बड़ा सुथरा है। अरे मेरा भाई तो राजपाट संभालता है, तुम क्या जानो कि राजपाट क्या होता है और एक भाई और बहन का प्यार क्या होता है। क्या बाबा जी को कहती है बाकी वाला सुनेगा रागनी के द्वारा क्या बता के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से अरे आप एक दूसरे के दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगते हो आपको क्या पता। इथम मांग मांग के थारा ठीक गुजारा हो से अरे के बेरा Oh!
खुश होकर के आदरणीय ओम प्रकाश हुड्डा जी, जिन्होंने पहले भी कई सौ रुपए का पुरस्कार दिया, ओम प्रकाश हुड्डा जी स्पेशली प्रियंका के नाम 1100 रुपए दे रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं बता दिया कि जिन बहनों के भाई नहीं होते, उन बहनों का ना तो कोई पीहर में सगा होता है, ना कोई सासरे में सगा होता है। दूसरी बात में सुनेगा क्या कहने लगी चंद्रावन। ससुर के मान बढ़ाई को योग्य होते हैं तो हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई पटड़े पे आकर के टाइम से खड़ा हो जाए, चाहे एक रुपया बात में लाए या लाखों करोड़ों का भात भरे, ये बात मैटर नहीं करती, लेकिन टाइम का पाबंद हो, टाइम से आ जाए। तीसरी बात में चंद्रावल अपने भाई गोपी चंद के विषय में जिक्र करती है, और क्या बता दिया तीसरी बात में। जगत में भाई कैसी चीज जगत में, अरे और चीज ना चाहे रे सो सो मेर करया करती जब बेटा बेटी तेरा
दिल्ली से चल के आए हैं, बहुत ही अच्छे रागड़ियों के शौकीन हैं, भजनों के भी, और जहाँ भी कथा होती है वहाँ कथा भी श्रवण करने के लिए जाते हैं। भाई बहुत दूर से रागड़ी सुनने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, 501 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में सुनेगा चंद्रावल, भाई गोपी चंद के विषय में तारीफ कर रही है अंतिम लाइन में, क्या बता दिया। जगत में भाई बिना ना सरे जगत में और चीज बिन सरे घर घर कहती फिर करे भाई परदे चिट्ठी आवे और पढ़ के बेटा भर जा और वाहे रांडे कमाया करे जी कमा का जा।